मैं एक्चुअली सारे गाने मतलब मैं पसंद दे नहीं किते। मैं कल ही उन्होंने इंसीडेंट भी दस्या कि मैंने ना किस्मत गाना पसंद सी ना तितलियां गाना पसंद सी। मैंने तो समझ ही नहीं आता सी कि आ गाने कौन सुनता है। अच्छा। मैं तो जानी तो एमी नु ही कहती गाने भी सब तो ज्यादा पसंद ही किते गए ने। मैंने कहते कहते तेनु अकल नहीं, चुपचाप कर ला। पिछले महीने ना मेरी फोटो दे नाल दो चलान करे गए। रिक्वायरमेंट सी कि इफ्तकार जी फिल्म च हो, मतलब जिवे उन्हां दे लई लिखिया होया करैक्टर सी, तां सानूं बहुत खुशी है कि ओह साडे नाल जुड़े। सब्सक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पंजाबी मेनिया ते अपने फोन ते नवीं वीडियोस देखने दे लई हिट करो बेल आइकन। सो आपां एक गेम खेडनी आ, आई है नस खुल खेडा ही होना है ते मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी ते मैं दिनी आ पहला मैं काट ला नेवर हैव आई नेवर हैव आई एवर सो आई एवर बोर्ड्स ले लो एक एक। सो तुसी दसना है और ऑनेस्टली नाल सारे सवालों के जवाब देने हैं बिल्कुल सच्चे सच्चे। हाँ हाँ। कसम खा लो हाथ रख सानू गीता डर है किसे दा गीता तो है नहीं रख लो गीता आज तो तेरा ना गीता अपनी फिल्म ते पोस्टर ते क्या ऐसा ना गीता है ता पेट नेम गीता है कर दा ले नू गीता बोल रहे हैं कर रहे लेट हो गए थोड़ा सा देखिए पर करा दी ऐसी फिर भी बिल्कुल नेवर हैव आई एवर थ्रू ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी एक्ट्रेस एक्ट्रेस इन माय चाइल्डहुड डेज थॉट ले मतलब बचपन तो ही हीरोइन नुकसान हो जाता क्योंकि मैं बहुत औखा लगता है लोगों को ना पे करना फिर मैं बिल तो वध उन्होंने टिप दे आउनी हां। अच्छा सरगुन स्पेशली तुहाडे लई वी आ कि कदी किसे दोस्त दी दूजी दोस्त नाल चुगली कीती होवे तेन दस तू दस और हर एक दोस्त एक दोस्त और जो दसदा ही दसदा है ओके कभी इदा होया कि पेरेंट्स या कजन दे विचों किसी दा बर्थडे भूल गए होवे हस्बैंड दा भी खास करके भूलते हो? हां मैं तो सारेयां दे ही भूल जांदी हां। रवि सर दा बर्थडे भूल जांदे हो? नहीं ओ याद कराउंदा रहंदा है सर को मेरा बर्थडे है 3 दिन आज की सोचा की ल्याएंगी की प्लान कीता ओ भूल नहीं होगा। ओके वांट टू से नो टू फिल्म बट मजबूरी च कोई फिल्म करनी पई होवे कि दोस्त है या जान जान नेवर इंसीडेंट भी दस्या कि मैनूं ना किस्मत गाना पसंद सी ना तितलियां गाना पसंद सी। मैनूं तो समझ ही नहीं आउंदा सी कि आ गाने कौन सुनदा। अच्छा। मैं तो जानी तो एमी नूं ही कहिंदी सी गाने भी सब तो ज्यादा पसंद कीते गए ने। ओह मैनूं कहिंदे कहिंदे तैनूं अकल नहीं चुपचाप कर ला कर ले बिल्कुल। सो नेवर हैव आई एवर प्रिटेंड टू बी ऑन द फोन जस्ट टू अवॉइड समवन। करते हो? जी 100% मैं भी करती हूं। सारे करते हैं और ये बहुत मुश्किल होता है इग्नोर करना भी लगे बैठे हो ना सब तो मुश्किल होता है फोन से बैठो। ओदे जी एक चीज हमेशा याद रखियो फोन साइलेंट पे कर लो पहले। वो बड़ी माड़ी होती है जो कान से बाहर आ गया बिल्कुल बिल्कुल। सो नेवर हैव आई एवर कदे तुहाडी गलती नाल गड्डी दा चालान होया
ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ बिल्कुल सो नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक सोशल मीडिया अकाउंट मैं अपना घट यूज करदा फेक में कड़ी अच्छा किसी ने स्टॉक किया बिल्कुल सो बहुत सोहने जवाब दिते तुसी दोनों ने थैंक यू ऑनेस्टली दे नाल थैंक यू सो मच वाओ तू कितना कुछ किया आई हैव तेरे को बहुत कुछ सीखा थैंक यू मच तुसी थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील किया बिल्कुल सर को वैसे ये भी है कि अगर रवि सर तो तुहानू पंजाबी फिल्म ऑफर हो गए ता तुसी करोगे जी रवि दा रोल हिंदी करैक्टर दा होवे ता ओके बिकॉज़ वो पंजाबी नहीं बोलदे अच्छा ਵੈਸੇ ਘਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਦੋ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਏ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਰਗੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਏ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਮ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देखो मेहता है हाँ पर दोवां नीचे दोवां ते ए आ देखिया नहीं तुसी हाँ पता लवा ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲਊਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਫਤਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਊਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਫਤਕਾਰ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਓ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਨ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਚਿੰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਚਿੰਨ ਦੱਸ ਦੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਚਿੰਨ ਹੈ ਐਡਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਚ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਪੋਗੇ ਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਬੁੱਕ ਟਿਕਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਚਿੰਨ थैंक यू सो मच सर ओके सो फिल्म रिलीज हो जा रही है सारे ने देखनी है फिल्म और वो मैं दस्या सी ना शुरू च कित्थे जाना है क्यों जाना है उत्थे आके तुहानू पता लगूगा थैंक यू सो मच थैंक यू